नाटक एग्जामिनेशन का 15th एंड 16th जून का कंप्लीट रिव्यू जानना चाहते हो, साथ में क्वेश्चंस बहुत सारे जानना चाहते हो, और साथ में क्वेश्चंस के लेवल कैसे थे, इजी थे, मॉडरेट थे या फिर डिफ़िकल्ट थे, और किन टॉपिक्स से क्वेश्चन आए और कहाँ पे वेटेज थोड़ा ज़्यादा देखने को मिला, किन टॉपिक्स के ऊपर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। इनकेस अगर ऐसी ही चीज़ें आने वाले वीक्स में रहती है, अगर आपके आने वाले वीक्स में एग्जामिनेशन है तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करूँगा। सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल इन दिस न्यू वीडियो। सो ये वीडियो हमारा वीडियो सीरीज जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम सारे एग्जामिनेशंस को डिस्कस करते हैं, हर वीक की कंप्लीट उसका रिव्यू देखते हैं, कैसे क्वेश्चंस आए सब कुछ। तो उसी हमारी सीरीज़ में एक और नया वीडियो जो 15 एंड 16 जून को कवर करने वाला है, और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ, टॉपिक्स बताने वाला हूँ, तो आपके लिए कंप्लीट आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि 15 एंड 16 जून के जो हमने रिव्यू है, सारे क्वेश्चंस आपको मैं बताने वाला हूँ। ये ऑल दोनों साइड पेजेस में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो डोंट वरी, और कुछ भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, बहुत क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी बता दूंगा, आपकी प्रैक्टिस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देंगे, बस आपको ध्यान सुनना है। अगर आप लिखना चाहते हो, नोट डाउन करना चाहते हो, तो आप सिंपली अपने वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हो, और बहुत काम देंगे ये क्वेश्चंस आपको, बहुत सारी हेल्प आपको इन क्वेश्चन से ज़रूर मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट इस वीडियो में थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाते हैं इस वीडियो को। हम अभी तक देखते आ रहे थे कि हम एप्टीट्यूड से स्टार्ट करते थे, हमेशा एप्टीट्यूड या फिर इंग्लिश या मैथमेटिक्स से स्टार्ट करते थे, बट अभी जो थोड़ा सा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है, वो थोड़ा सा ड्राइंग में मिल रहा है, क्योंकि ड्राइंग में थोड़े से क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा रहे हैं जो हमारे टिपिकल जो क्वेश्चंस आ रहे थे वो थोड़े से सिंपल ऐसे ऑब्जेक्ट्स हुआ करते थे, जो आपको मोस्टली पता होते थे कि उनको कैसे आपको ड्रॉ करना है, कैसे आपको स्केच करना है, बट अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें थोड़े से ऐसी चीज़ें पूछी जा रही हैं जो आप इतना डे टू डे लाइफ में उन चीज़ों को यूज़ नहीं करते हो, आप यूज टू नहीं होते हो, तो आपको थोड़ा सा उनको ड्रॉ करने में प्रॉब्लम आती है। तो मैं ऐसी चीज़ों के बारे में ज़रूर बताऊँगा, और होपफुली आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे ताकि ऐसे क्वेश्चंस अगर आ जाएँ तो आप इसको अच्छे से अटैम्प्ट कर सको। तो बहुत सारे क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान सुनना, ड्राइंग के मैं एटलीस्ट 5 से 6 सेट बताने वाला हूँ क्वेश्चंस के, तो आप सोच सकते हो कि 18-20 क्वेश्चंस आपके पास ओवरऑल होने वाले हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं सैटरडे के एग्जाम का। तो ड्राइंग में जो हमारा सेट वन जो रहा था, स्टूडेंट वन से जो हमें क्वेश्चंस मिले, उसमें A1 जो क्वेश्चन था, मेक अ कंपोजिशन विद अ लैम्प एट सेंटर, 2 पेपर वेट स्टैक्ड ऑन ईच अदर एंड 3 नोट पैड स्प्रेड एंड 4 स्केच पेंस इन अ डायगोनल फॉर्मेशन। तो आपको होपफुली समझ में आ गया होगा, इसको कॉम्पोजिशन आपको क्रिएट करनी है जिसमें लैम्प आपका सेंटर पे होना चाहिए और वेट स्टैक्ड होना चाहिए आपका 2 पेपर पे, ऐसा कुछ होना चाहिए, 3 नोट पैड्स होने चाहिए, इसके अलावा जो कि नोट पैड्स भी स्प्रेड होने चाहिए, इधर उधर रखे हुए होने चाहिए, एंड 4 स्केच पेंस जो कि डायगोनल फॉर्मेशन बना रहे हो। तो ऐसा एक क्वेश्चन था A1। A2 वाले क्वेश्चन की बात करें तो यूज़ अ गोल्फ डिस्क, तो गोल्फ डिस्क आपको यूज़ करना है, अब बैक पैक यूज़ करना है, हाइकर शूज़ एंड स्पोर्ट्स वाटर बॉटल एंड मेक कॉम्पोजिशन यूजिंग लाइट एंड शेडो। तो लाइट एंड शेडो को शो करते हुए आपको एक कॉम्पोजिशन क्रिएट करनी है। तो A2 क्वेश्चन था। A3 क्वेश्चन की बात करते हैं तो शोइंग डायगोनली द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस, तो आपको डायगोनली अरेंजमेंट में जितने भी आपको ऑब्जेक्ट्स दिए रहेंगे और मॉडल वाले, उसको आपको यूज़ करके जो है उसमें आपको बैलेंस शो करना है। तो ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्टी आई नहीं होगी, बट ऊपर के जो 2 क्वेश्चन आएंगे जिन्होंने भी अटैम्प्ट किया होगा शायद उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा, क्योंकि ये कुछ चीज़ें इसमें बहुत नई बताई गई हैं, खासतौर पर सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है, गोल्फ डिस्क एंड बैक पैक एंड हाइकर शूज़, बट स्टिल ऐसा था कि अटैम्प्ट किया जा सकता था, आपको मोस्टली आप लोगों ने सारी चीज़ें देखी होंगी। सेट 2 की बात करते हैं तो सेट 2 में जो पहला क्वेश्चन था, क्रिएट ए लोगो फॉर अ योगा क्लब विदाउट यूजिंग एनी टेक्स्ट। देखिए अभी जो मुझे बहुत कॉमन क्वेश्चन जो कुछ टाइम पहले तक सुनने को मिलता था स्टूडेंट से कि सर लोगो जो बनाए तो उसमें हम टेक्स्ट लिखें या नहीं लिखें, तो अब ये चीज़ ना बहुत क्लेरिफाई कर दी गई है इनके एग्जाम्स में कि अभी क्या बोलते हैं कि आपको सीधा बता देते हैं कि आपको टेक्स्ट यूज़ करना है या फिर नहीं करना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपको योगा क्लब का लोगो डिज़ाइन करना है विदाउट यूजिंग एनी टेक्स्ट, आप वहाँ पे 2 कलर्स का यूज़ कर सकते हो। A2 जो क्वेश्चन था, इसमें आपको 5 वुडन स्पून को अरेंज करना था, 3 पोर्सिलेन कप्स को, 4 एल्युमिनियम केन्स एंड 1 प्लास्टिक बॉटल इन सनलाइट एंड ऐड शेड एंड शेडो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सारी चीज़ें आपने मोस्टली देखी होंगी किचन वगैरह में, या फिर एल्युमिनियम केन्स या फिर पोर्सिलेन कप्स, वुडन स्पून्स, ये मोस्टली हर कोई यूज़ करता ही है, हर कोई इससे यूज टू होता ही है। A3 क्वेश्चन की बात करते हैं, जो आपका मॉडल वाला क्वेश्चन रहता है, यूज़ द गिवन शेप्स टू मेक अ डायगोनल अरेंजमेंट एंड शो बैलेंस। तो सेम क्वेश्चन ड्राइंग का वही जो सेट 1 में था, सेट 2 में भी सेम क्वेश्चन देखने को मिला। सेट 3 की बात कर लेते हैं, सेट 3 में जो पहला क्वेश्चन था, इसमें क्रिएट ए लोगो फॉर एग्रीकल्चर स्कूल यूजिंग ओनली 2 कलर्स विदाउट एनी टेक्स्ट। तो यहाँ पे भी टेक्स्ट यूज़ करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया गया था, आपको एग्रीकल्चर स्कूल के लिए जो था एक लोगो डिज़ाइन करना था।
A2 क्वेश्चन की बात करते हैं, तो A2 क्वेश्चन में पूछा गया है, क्रिएट अ हेक्सागनल कॉम्पोजिशन यूजिंग 5 टीस्पून्स। आपको एक हेक्सागनल कॉम्पोजिशन बनाना है जिसमें कि आपको 5 टीस्पून्स का यूज़ करना है, 4 टेबल स्पून का यूज़ करना है, 2 सर्विंग स्पून का एंड 1 राइस स्पून का। शो अप्रोप्रिएट शेड्स एंड शैडो, तो ये ऑलरेडी एग्जिस्टेड क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी आ चुका है क्वेश्चन, तो यही क्वेश्चन रिपीट किया गया। मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में बताया कि आप इन क्वेश्चन को मैं बताता हूँ, इसका मतलब ये होता है आप प्रैक्टिस कीजिए, इन केस अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप उसको सेम ड्राइंग जो आपने बनाई हुई होती है तो आप उसको बना सकते हो बहुत इजीली क्वेश्चन में। ऐसे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है कि चीज़ें बदल दी जाए, वैसा ही क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, तो मोस्टली चांसेस होता है कि 99% चांस यही रहेगा कि क्वेश्चन पूरा रिपीट होगा और आप उसको सेम स्केच करके आ जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जो आपने प्रैक्टिस की हुई होगी अगर आपने बहुत अच्छे से बनाया होगा तो। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी बैलेंस शो करना था डायगनली अरेंजमेंट करके, जो है आपको ऑब्जेक्ट के साथ में जो आपको दिए गए थे उनके साथ बैलेंस शो करना था मॉडल मेकिंग वाले क्वेश्चन में। एंड अब बात कर लेते हैं 15 जून के, ये हमारे 3 सेट्स हो गए। अब 16 जून के जो सेट्स की बात कर लेते हैं, तो पहला जो सेट था हमारा मॉर्निंग का जो सेशन था उसका पहले सेट की बात करते हैं। तो इसमें आपको एक डिज़ाइन फर्नीचर ब्रांड लोगो डिज़ाइन करना था जिसमें आपको 3 कलर्स यूज़ करने थे। फर्नीचर ब्रांड के लिए एक लोगो डिज़ाइन करना था जिसमें आपको 3 कलर्स का यूज़ करना था। फिर दूसरा जो क्वेश्चन था A2, उसमें अरेंजमेंट ऑफ 5 मग्स का यूज़, 5 मग्स आपको अरेंज करने थे एंड विद हॉट कॉफ़ी के कॉफ़ी के साथ में जो कॉफ़ी मग होते हैं वो यूज़ करना था। इसके अलावा 4 स्पून्स का आप यूज़ कर सकते हो एंड 4 बाउल्स का यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, आप इसको आराम से अरेंजमेंट कर सकते हो कि आपने कॉफ़ी मग रखा देन उसके ऊपर आप बाउल का अरेंजमेंट कर दो, स्पून्स वगैरह को आप ऐसे प्लेस कर दो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अलाइनमेंट, तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, ईजिली हो गया होगा। एंड थर्ड वन वॉज कि आपको शोइंग ग्रोथ, आपको ग्रोथ शो करना है अपने जो मॉडल आप क्रिएट करोगे उसमें आपको एक ग्रोथ रिप्रेजेंट होना चाहिए कि वो ग्रोथ की तरफ, जैसे आपने देखा होगा कि स्टेयर केस ऐसा लोगो जब डिज़ाइन करते हैं तो हम स्टेयर केस ऐसा कुछ बनाते हैं और एक प्रोग्रेस ऐसे करके दिखाते हैं कि उसकी प्रोग्रेस हो रही है, उसकी ग्रोथ हुई है, तो इस तरह के कुछ आपको इस तरह से इंस्पायर्ड होकर आप कुछ ऐसा कुछ बना सकते थे। एंड सेकेंड सेट की बात करते हैं मॉर्निंग सेशन का, तो इसमें जो क्वेश्चन था इसमें आपको एक 2D पोस्टर डिज़ाइन करना था ग्राफिकली फॉर अ डांस क्लब शोइंग ऑल द एक्टिविटीज़ यूज ओनली 2 कलर्स। तो आपको डांस क्लब के लिए जो एक्टिविटीज़ जनरली वहाँ पे होती हैं उसको आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था, एक पोस्टर 2D पोस्टर क्रिएट करना था और उसमें आपको 2 कलर्स का ही यूज़ करना था। सेकेंड जो क्वेश्चन था A2, उसमें एक 3D कॉम्पोजिशन क्रिएट करना था जिसमें आपको स्टैक करना था बुक टेबल पे, आपको 4 पेन्स एंड 3 पेपर क्लिप्स को एक इंटरेस्टिंग वे में आपको अरेंज करना था बुक्स के साथ में, पेन्स और या फिर पेपर क्लिप्स, इन सारी चीज़ों को अरेंज करके आपको एक 3D कॉम्पोजिशन जिसमें आपको लाइट शेड एंड शेडो का ध्यान रख के आपको उस कॉम्पोजिशन को क्रिएट करना था। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, सिमिलर यहाँ पे ग्रोथ ही यहाँ पे भी शो करना था, जो मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि मॉर्निंग सेशन का जो पेपर था उसमें जो सेट वन था उसमें आपका जो पहले सेट में जो क्वेश्चन था वो ग्रोथ वाला ही था, जो उसमें आपको आपको मॉडल जो बनाना था, और सेकंड जो क्वेश्चन था सेकंड सेट का भी जो क्वेश्चन था उसमें भी ग्रोथ ही था। बात कर लेते हैं इवनिंग जो सेशन था उसमें सेट वन जो क्वेश्चन था वो क्या था, डिज़ाइन द बुक्स डिज़ाइन विद बुक्स पेंस ग्लासेस रिप्रेजेंटिंग लिटरेचर एंड एजुकेशन ऑन अ टी शर्ट विद नो टेक्स्ट। तो आपको एक टी शर्ट पे जो है इस तरह से डिज़ाइन करना था जो लिटरेचर और एजुकेशन को शो करो, आप उसमें कॉम्पोनेंट्स जो यूज़ कर सकते थे, आप बुक्स का यूज़ कर सकते थे, पेंस का यूज़ कर सकते थे, ग्लासेस का यूज़ कर सकते थे, और आपको टेक्स्ट बिल्कुल नहीं यूज़ करना था। यहाँ पे भी टेक्स्ट का मना किया गया, जहाँ पे आपको टेक्स्ट मना करते हैं आप ध्यान रखें कि आप वहाँ पर टेक्स्ट बिल्कुल मत यूज़ करना। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, 3D कॉम्पोजिशन आपको एक बनाना था जिसमें आप बैकपैक्स यूज़ कर सकते हो, ट्रैकिंग शूज एंड पासपोर्ट का यूज़ कर, ट्रैवल गाइड बुक। देखो अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया, ये क्वेश्चन मैंने आपको सेम बताया था जो आपको सैटरडे वाला जो अटैम्प्ट था वहाँ पे ही क्वेश्चन आया था, बट यहाँ पे चीज़ें क्या बदल दी इन्होंने यहाँ पे ट्रैकिंग शूज़, बैकपैक्स एंड पासपोर्ट एंड ट्रैवल गाइड बुक, आप इन सारी चीज़ों का ट्रैवलिंग रिलेटेड आपको एक कॉम्पोजिशन क्रिएट करना था। Having light source on the left side show shadow, तो आपको left side की तरफ मतलब इस तरफ कहीं पे आपका light source fall करेगा और आपको shade shadows की बतानी है। तो ये सारे questions हो गए drawing के, बहुत सारे questions hopefully आपको पता चले होंगे। अब मैं आपको aptitude section बताने वाला हूँ, aptitude section में बहुत सारे questions हैं और बहुत interesting questions हैं, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनना है, वीडियो में जो चीज़ें बताऊँगा ध्यान सुनना है। अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, आप एटलीस्ट एक लाइक ज़रूर बनता है जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लाता हूँ, तो उसके लिए चलिए बात करते हैं एप्टीट्यूड
एप्टीट्यूड का, तो एप्टीट्यूड में देखिए लोगो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, 3-4 क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि लोगो डिजाइनिंग से 3-4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यूजुअली 1-2 क्वेश्चन ही आता था, बट इस बार 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं सैटरडे और संडे वाले एग्जाम्स में। इसके अलावा प्लान एलिवेशन के वही जो प्लान एलिवेशन जो व्यूज के क्वेश्चन होते हैं, 4-5 क्वेश्चन वहाँ से आए हुए हैं। एंड क्वेश्चंस की बात कर लेते थे, एप्टीट्यूड में क्वेश्चंस जो मैं आपको बताता हूँ वो आप ध्यान सुनिएगा। व्हाट वाज मेड बाय अकबर टू शो हिज विक्ट्री ऑफ गुजरात, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इवन मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊं तो ये हमने ऑलरेडी अपने मॉक टेस्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ था, 3 या फिर 4 वीक पहले जो हमारा मॉक टेस्ट हुआ था ये हमने ऑलरेडी पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो अगर आपको भी मॉक टेस्ट देना है तो आई कैन बेट कि आपको ये क्वेश्चन जो हम टेस्ट में रखते हैं मॉक टेस्ट में अपने, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। तो आप ये देख सकते हो हमारे टेस्ट नंबर 10 जो इस फ्राइडे में होने वाला है, आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। अपना रजिस्ट्रेशन आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो आप क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट हो जाते हैं, तो डेफिनेटली आपको मॉक टेस्ट ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा आपको बूस्टअप करने में प्रिपरेशन को हेल्प करते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए मॉक टेस्ट को। इनकेस अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और व्हाट्सएप ग्रुप का भी मैं लिंक आपको दे दूंगा। 450+ अराउंड 500+ अराउंड स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे NAT 2024 के, तो काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस होती है, काफ़ी सारी चीज़ें आपस में नई चीज़ें पता चलती है। तो आप उस ग्रुप का भी पार्ट बन सकते हो, उसका भी डिस्क्रिप्शन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो है ग्रुप का लिंक दे दूंगा। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। तो एनालॉगी से जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन पूछा गया था पीकॉक मस्टर एंड शेल के साथ में, आपसे क्वेश्चन मार्क करके क्वेश्चन पूछा गया था कि शेल के साथ में क्या अलाइनमेंट इसका परफेक्ट बैठेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन जहाँ से आए हैं वो आपके काउंटिंग जो फिगर्स होते हैं ट्राइंगुलर स्क्वायर काउंटिंग वाले, वहाँ से दो से तीन क्वेश्चन पूछे गए। तो ये क्वेश्चन अभी तक फिलहाल नहीं आ रहे थे उतने ज़्यादा, बट इस बार थोड़े से क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे गए हैं, तो काउंटिंग फिगर्स की प्रैक्टिस आप ज़रूर कर लीजिएगा। इसके अलावा आर्किटेक्चर का मीनिंग, आर्किटेक्चर वर्ड का मीनिंग जो है पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे ये। तो इसके भी ऐसे क्वेश्चंस भी जो रैंडमली आपको लगता है कि क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। देन इसके बाद क्वेश्चन क्या था कि हाउ आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ ए बिल्डिंग डिटरमाइंड, तो हम आर्किटेक्चर स्टाइल किसी बिल्डिंग का कैसे पता करते हैं या फिर कैसे समझ में आता है। तो उसके जो ऑप्शंस थे वो थे रूफ्स, इंटीरियर्स एंड टू अदर ऑप्शंस और भी थे, तो वो ऑप्शंस यहाँ पे बताए नहीं गए हैं। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो हाउ इडली मेकर वर्क्स, तो इडली मेकर आपने डेफिनेटली इडली तो ज़रूर खाया होगा, बट वो वर्क कैसे करता है, इसके ऑप्शंस जो थे वो स्टीमिंग, बॉयलिंग, फ्राइंग, इसके अलावा एक और ऑप्शन था, तो इसमें से आपको बताना था कि उसका वर्किंग जो क्राइटेरिया वो किस तरह से वर्क करता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ईजी क्वेश्चन था, ये आप कह सकते हो कि डे टू डे लाइफ में लाइक प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन था ये। एक क्वेश्चन था महात्मा गांधी मेमोरियल अहमदाबाद का आर्किटेक्ट कौन है, एंड क्वेश्चंस जो थे बिल्डिंग मटेरियल के 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो बिल्डिंग मटेरियल की प्रैक्टिस भी आप ज़रूर रखिएगा। अभी तक हम मान के चल रहे थे बिल्डिंग मटेरियल से क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, बट इस वाले जो वीक में रहा है 3-4 क्वेश्चन पर एग्जाम में देखने को मिले हैं बिल्डिंग मटेरियल्स के। फेमस बिल्डिंग आइडेंटिफिकेशन के 2-3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, इसमें आपका लिंगराज टेम्पल की लोकेशन पूछी गई है, महाबलीपुरम किसके द्वारा बनाया गया था, हु बिल्ट महाबलीपुरम, एंड फुल फॉर्म ऑफ VOCS। तो VOCS मैं आपको बता दूं ये केमिस्ट्री रिलेटेड टर्म है, तो मैं उम्मीद करता हूं अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री 12th में अगर आपके पास होगी, इनकेस किसी के पास होगी, तो वैसे तो सभी के पास होगी, PCM तो बहुत मैंडेटरी होता है, तो आप इसका फुल फॉर्म ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि VOCS का फुल फॉर्म क्या होता है, VOCS। ठीक है, राइटर्स बिल्डिंग लोकेशन क्या है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि बिल्डिंग रिलेटेड क्वेश्चन, बिल्डिंग आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन, तो इसमें राइटर्स बिल्डिंग की लोकेशन पूछी गई है। एंट्रेंस ऑफ साउथ इंडियन टेंपल को एंट्रेंस को क्या कहा जाता है, हवा महल की जो लोकेशन स्टेट है वो कौन सी है, इसके अलावा फर्स्ट प्रिटजिकर प्राइज विनर फ्रॉम इंडिया, इंडिया का मतलब तरफ से फर्स्ट प्रिटजिकर प्राइज जो किसने जीता था, तो ऑलरेडी सभी को पता होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। अब अगर डायरेक्शन सेंस टेस्ट की बात करूं टॉपिक्स की एप्टीट्यूड में, तो 3-4 क्वेश्चन यहां से भी आए हुए हैं। इस क्वेश्चन के एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, इफ़ नॉर्थ ईस्ट इज़ साउथ एंड साउथ वेस्ट इज़ ईस्ट एंड साउथ ऑन, सो व्हाट वुड ईस्ट बी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन था, बहुत घुमाने वाला क्वेश्चन था, बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है, एंड अभी बहुत कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है इस क्वेश्चन को रिलेटेड लेके, कि इस क्वेश्चन को चैलेंज किया गया है कि इस क्वेश्चन में थोड़े से फॉल्ट थे, क्वेश्चन या तो कंप्लीट नहीं थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी, लेट्स सी कि क्या होता है। डेफिनेटली CO को एक बार चेक करना चाहिए इस क्वेश्चन में, और भी इस वीक में ऐसे 2-3 क्वेश्चन रहे हैं जिसको लेके कॉन्ट्रोवर्सी हुई है, तो आई होप कि इस चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा, और जिन स्टूडेंट्स के क्वेश्चन गलत हुआ है या फिर इन क्वेश्चन को जिनके भी एग्जाम्स में आए हैं तो उनको ग्रेस मार्क्स या फिर इस तरह के कुछ मार्क्स जो हैं वो दिए जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं।
बहुत अच्छा पार्ट लगा मुझे, प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन के क्वेश्चंस मिसिंग थे ऑलरेडी, तो प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन के क्वेश्चंस क्या प्रैक्टिस कीजिएगा, बैलेंस सिमेट्री इन सब रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें आप बताइए कि कौन सा बैलेंस है या फिर किस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल रही हैं, तो ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा। कलर थ्योरी एंड साइकोलॉजी, कलर थ्योरी एंड कलर साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं इस वीक में, तो कलर साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए कि कौन से कलर से किस तरह की साइकोलॉजी जो है रिप्रेजेंट की जाती है, क्या आपको रिप्रेजेंट करती हैं कलर्स, ठीक है, किस तरह के इमोशंस, किस तरह की फीलिंग्स जो है इवोक होती हैं कलर्स के थ्रू। एंड एक क्वेश्चन था कि पीट मॉडर्नियन हैज़ डन पेंटिंग विद, एक पेंटर का नेम दिया गया है यहाँ पे, तो इनकी इन्होंने पेंटिंग किन कलर से की गई थी, क्वेश्चन आया हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्राइमरी कलर्स का यूज़ करते थे, प्राइमरी कलर्स के साथ में ब्लैक वाइट एंड ग्रे का यूज़ किया करते थे, तो प्राइमरी कलर में भी जो जो आपके बेसिक कलर्स होते हैं उनका यूज़ करते थे, तो कई स्टूडेंट्स को पता था, कई को नहीं पता था, ये कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था, ये जनरली किसी ने नाम सुना हुआ नहीं था, बट आप ऐसे क्वेश्चंस को भी देख लें, इन पेंटर्स की जो कलरिंग थीम होती है कौन से कलर्स यूज़ करते हैं, तो आपको अच्छा खासा अंदाज़ा लग जाएगा इन क्वेश्चंस का। चलिए ये तो हो गए एप्टीट्यूड क्वेश्चंस की बात, एक रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट्स से, अगर आपने एग्ज़ाम दिया है इस वीक में तो कुछ क्वेश्चंस अगर रह गए हैं तो आप उनको कमेंट डाउन ज़रूर कर दीजिए कि कमेंट में टाइप कर दीजिएगा, सो डैट कि स्टूडेंट्स अगर कमेंट देखें तो उनको उन क्वेश्चंस को भी पता चल जाए जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है। चलिए अब बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताता हूं। एक क्वेश्चन था, इफ़ अ वैल्यू इज इंक्रीज बाई 10% एंड देन डिक्रीज बाई 10%, वट विल बी द फाइनल चेंज इन द वैल्यू इन परसेंटेज, तो एक वैल्यू 10% बढ़ती है, 10% घटती है, तो उसमें फाइनल चेंज क्या आएगा, उस वैल्यू में कितने परसेंट का चेंज देखने को मिलेगा। सेकेंड क्वेश्चन था, अ रेक्टेंगुलर लैंड इज टू बी फेंस्ड बाई 3 ऑफ इट साइड एंड द साइड लेफ्ट ओपन इज ऑफ मेजर 20 feet, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर साइड मतलब एक रेक्टेंगुलर लैंड है जिसको फेंस करना है, जिसमें 3 साइड बाई 3 ऑफ इट साइड, तो 3 साइड की तरफ से उसको फेंसिंग करनी है, एंड द साइड लेफ्ट ओपन इज ऑफ मेजर 20 feet, तो लेफ्ट की तरफ में जो साइड ओपन है उसका मेजर जो 20 feet का है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर लैंड इज 630 square feet, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द फेंस रिक्वायर्ड, तो उसमें आपको एक साइड की लेंथ दे दी गई और उसमें आपको बता दिया गया कि इसमें आपका जो टोटल एरिया है वो 630 फीट है, तो आपको इसमें कितने फेंसिंग की टोटल लेंथ की रिक्वायर्ड पड़ेगी, ये क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन जो था वो 18 ग्राम इज़ हाउ मच परसेंटेज ऑफ 7.5 kg, तो 7.5 kg का 18 ग्राम जो है कितना परसेंटेज होगा, तो ये आपको कन्वर्जन जो है परसेंटेज का क्वेश्चन है, ये आपको निकालना था। पाई चार्ट एंड बार ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिले थे, पाई चार्ट और बार ग्राफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, जिसमें आपको पाई चार्ट या फिर बार ग्राफ की जो स्टडी करके जो है कंक्लूजन के बेस पे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहता है। फिर एरिया पैरामीटर और वॉल्यूम रिलेटेड क्वेश्चंस, ये 3-4 क्वेश्चंस तो बेसिक्स यहाँ से आते ही हैं, जैसे मैंने आपको अभी फेंसिंग वाला क्वेश्चन बताया, तो एरिया पैरामीटर और वॉल्यूम रिलेटेड क्वेश्चंस ना आ ही रहे हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से रखना ही रखना। फिर इसके अलावा वर्क एंड कुछ टॉपिक्स और बता देता हूँ जहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, वर्क एंड टाइम से क्वेश्चंस आए हैं, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम से, रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चंस आए हैं। अब मैं आपको ना एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट काम की चीज़ बताता हूँ, ये वीक ऐसा वीक गया है, ये वीक में ऐसे क्वेश्चंस आए जिसमें मैथ्स में अराउंड 15 से लेकर 17-18 क्वेश्चंस पूछे गए हैं इकलौते मैथ्स में। जस्ट इमेजिन कि 45 क्वेश्चंस में से 15 क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ मैथ्स से आ रहे हैं, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी स्टूडेंट से पता चला कि 15 के आसपास क्वेश्चंस मैथ्स से पूछे जा रहे हैं, तो मैथ्स का वेटेज थोड़ा सा बढ़ाया गया है इस वीक के लिए। आई डोंट नो कि अगले वीक में कैसा रहेगा, बट आप ये सपोज करके चलो कि मैथ्स की आपकी अच्छी तैयारी होनी चाहिए, 15 क्वेश्चंस थे तो 15 क्वेश्चंस नहीं भी तो आपके 45-50 नंबर के ज़रूर होंगे ही होंगे, तो 45-50 नंबर की मैथमेटिक्स आप ये मान के चलो कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आने ही वाली है। इसके अलावा मैं आपको चलो इंग्लिश का एक बार बता देता हूँ ओवरव्यू, तो इंग्लिश में आपके वही एंटोनियम सिनोनियम से क्वेश्चंस आए हैं, इसमें आपको एक डॉन्टिंग का मीनिंग पूछा गया था और आपके 2-3 क्वेश्चंस आपके पैसेजेस रिलेटेड आए हुए थे सैटरडे में। एंड आपको एक इंपॉर्टेंट और मैं आपको बात बताता हूँ इंग्लिश रिलेटेड कि 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं संडे वाले अटैम्प्ट में एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स के ऊपर, 6 से 7 क्वेश्चन, जस्ट इमेजिन कितने क्वेश्चंस होते हैं। अभी मैथ्स का मैंने बताया आपको 10-15 क्वेश्चन से, यहाँ पे संडे वाले एग्जामिनेशन में जो था वो आपको 6 से 7 क्वेश्चन पूछ दिए गए थे इकलौते एंटोनियम सिनोनियम्स के ऊपर, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है एंटोनियम सिनोनियम्स का, इसकी बेसिक प्रैक्टिस आप ना करते रहा करो, जिस साइट पे भी आपको एंटोनियम सिनोनियम्स देखने को मिले आप एटलीस्ट पढ़ा करो, आप याद नहीं कर सकते, पढ़ो तो आपको जो है ऑप्शंस देते हैं तो आप समझ पाओगे, या फिर आप वर्ड मीनिंग उसकी देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि इस वर्ड का ये मीनिंग होता है, तो आप इससे दूसरे वर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो
तो ये थे हमारे सारे क्वेश्चंस, मैंने आपको एक कंप्लीट प्रीव्यू दे दिया। बाकी स्टूडेंट्स आप कमेंट्स में ज़रूर लिख दीजिएगा क्या क्वेश्चंस आए हुए थे, एंड आई होप कि आपको बहुत सारी हेल्प मिली होगी, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता चली होगी, तो ये आपको काम ज़रूर देंगी। एंड बेस्ट ऑफ लक, अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए आने वाले वीक में। और हाँ, अपने मॉक टेस्ट ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। बहुत काम के मॉक टेस्ट हैं एंड डेफिनेटली आप बहुत इंटरेस्टिंग उसको फाइंड आउट करेंगे और ये चीज़ आपको बहुत काम देगी, तो आप इसको चेकआउट कीजिए। एंड बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए अपने आने वाले एग्जाम्स में। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।